Boys and girls, welcome back to BRS. Bank Reconciliation Statement. मस्ती में क्या अभी तक सारा काम? हाँ? अभी आज हम दो कॉन्सेप्ट और समझेंगे, right? दो कॉन्सेप्ट में से पहला कॉन्सेप्ट है बैंक ओवर ड्राफ्ट. हाय रब्बा, बैंक ओवर ड्राफ्ट. अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ एग्जाम में मार्क्स मिल जाए, बात खत्म. हाँ, सो दैट इज लवली कि कोई नहीं चाहता कि एग्जाम में मार्क्स मिल जाए और बात खत्म. तुम समझना चाहते हो क्योंकि उससे इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, बराबर है ना? तो पहले मैं इनर सेटिस्फेक्शन दूंगा तुमको. आई विल से यू कि कैसे लॉजिक है, कैसे काम करता है, ओडी में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, मैं सब समझाऊंगा आपको. एक ट्रांजेक्शन मैं आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट के एंगल से कराऊंगा. समझ में आई बात? दिन में वंस आई डू दैट, आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ शॉर्टकट एंड देन यू हैव टू यूज द शॉर्टकट. तो मतलब आपका भी पर्पस सर्व हो गया कि यू शुड बिकम इन स्ट्रांग इन कंटेंट, विच इवन आई बिलीव वी आर ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म कि हाँ कंटेंट स्ट्रांग होना ही चाहिए. और उसके बाद में हम कैसे करेंगे उसको, शॉर्टकट से क्विकली कैसे आंसर निकाला जाना चाहिए, ठीक है? सो बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए मैं पहले कुछ फालतू की बातें करते रहता हूं, तो अपन फालतू की बातें करेंगे, ठीक है? सब लोग बीच पर चलेंगे अभी मेरे साथ, बीच. हाँ, वो गाना सुना ना, आज ब्लू है पानी पानी पानी, वो वाला बीच नहीं बेटा, दूसरे बीच पे चलेंगे अपन, ठीक है? वो थोड़ा सा गंदा था. सो विल गो ऑन अ बीच. ऑल ऑफ यू आर देयर ऑन द बीच. हाँ, ऐसे बैठेगा क्या अमृत वहां पे बीच पर? कैसा बैठने को ना बीच पर? हाँ, ऐसे स्माइल के साथ, स्माइल रखो. हाँ, सो तुम सब लोग बीच के पास हो. ये यहां पर समुंदर है, बीच है, राइट? हाँ, लाल पानी है, रेड सी है ना. हाँ, नाउ यू हैव गॉट अ बीच. यहां पर आप मैं सब लोग खेल रहे हैं, हम है ना. यहां पर कुछ ये नहीं बनाते क्या, मिट्टी के घर वगैरह ऐसे कुछ बना रहे हैं? बनाओगे साथ में? बहुत मजा आता है. शैल वी? बट डोंट प्ले इट इन इंडिया. इंडिया में लोग कम कहां क्या कर कर चला जाता, पता नहीं चलता बीच पर. बार यू कैन प्ले, ओके? सो वी आर प्लेइंग ऑन द बीच. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, व्हेन वी आर प्लेइंग ऑन द बीच व्हाट इज हैपनिंग. हम दो टाइप के गेम खेलेंगे. यहां पर एक हम क्या करेंगे बेटा जी, एक कैसल बनाएंगे. कैसल मतलब समझता है? कैसल नीचे नहीं जाता है, ऊपर बनता है कैसल, है ना? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहां पर यह जमीन की सतह है और मुझे कैसल बनाना है. मैंने मिट्टी ली और मिट्टी डाली और मिट्टी डाली और सर इग्लू बनते जा रहे. बेटा समझो ना यार, मिट्टी डाली है, मैं नहीं कर सकता ड्राइंग. तो ऐसा करते 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 ये जैसे जैसे मैं मिट्टी डालूंगा वैसे 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 क्या वो बड़ा होता जाएगा. से यस, इट गोज ऑन. जैसे ही मैं उसमें से मिट्टी निकालूंगा, ये निकल गई मिट्टी, छोटा हो रहा दिख रहा है क्या? मैं मिट्टी निकाल रहा हूं तो क्या गायब होती जाएगा, कम होती जाएगा. चिक 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 चिक. तो डोंगर, इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन. डोंगर माउंटेन, माउंटेन बोले तो डोंगर, डोंगर बोले तो माउंटेन, बोले तो कैश बैलेंस. कैश बैलेंस बैंक बैलेंस बोलते प्यार से. बीबी प्लीज डोंट मिस्टेक इट, बीबी बैंक बैलेंस. मतलब बैलेंस कैसा मूव करता है पता है क्या? उसमें पैसा डाला तो बैलेंस बढ़ता है, पैसा निकाला तो बैलेंस कम होता है. यू पुट मोर मनी, बैलेंस विल ग्रो. यू रिमूव मनी, बैलेंस विल फॉल. तुम्हारे जेब में कितने रुपए? हाँ, जेब ही नहीं है, वेरी गुड. बट तुम्हारे जेब में कितने रुपए? 50. अब 50 रुपए जेब में, अब इसमें से 10 रुपए खर्चा करेगी तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, हाँ नहीं? अब मान लो उसमें से उसने और 40 रुपए ऐड कर दिए और पैसे लेकर आए, तो कितना बैलेंस बढ़ जाएगा? 50 + 40 = 90. मतलब पैसा डाला तो बैलेंस बढ़ेगा, पैसा निकाला तो बैलेंस कम होगा. सिंपल से, मेरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती ही नहीं, सिंपल सी चीजें आती, ठीक है? अब ये हुआ माउंटेन, और क्या है? बैंक बैलेंस. माउंटेन इज इक्वल टू डोंगर, डोंगर इज इक्वल टू बैंक बैलेंस. मतलब ऊपर जाते जाता है वो.
दूसरा लॉजिक, लॉजिक नंबर टू, लॉजिक नंबर टू. नाउ वी आर अगेन प्लेइंग बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू क्रिएट माइन अंदर. वी आर गोइंग टू क्रिएट अ माइन. समझ में आ रही बात? पुराने जमाने में बनाया करते थे ऐसे, सुरंग कहते थे उसको. लोग सुरंग से क्या क्या नहीं कर लेते हैं, बैंक का लॉकर तोड़कर उसमें से पैसे निकाल लेते हैं. बीच में हुआ था तो हम सुरंग बनाएंगे अभी बीच पर. तो जब सुरंग बनाते हैं ना तो हम वी कीप ऑन डिगिंग 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 डिगिंग. यस और नो? सब लोग अंदर से मिट्टी निकालते रहते हैं, खड्डा करते रहते हैं, राइट? बट अगर खड्डा है ना तो खड्डे में से मिट्टी निकालेंगे तो खड्डा गहरा होता है. माउंटेन कैसा? मिट्टी निकाली तो माउंटेन छोटा होता था. यहां पर क्या होता है? खड्डा डीप होता है और बड़ा बनते जाता है. और खड्डे में मिट्टी डालेंगे तो खड्डा क्या होता है? कम होते जाता है. वही माउंटेन का क्या होता था? माउंटेन बढ़ते जाता था. सही है? खड्डे का लॉजिक अलग है. खड्डे का लॉजिक क्या है? कि यू पुट मोर मनी तो खड्डा बुझते जाता है, कम होते जाता है. खड्डा कम हो रहा है ना, डीप कम हो रहा है. मगर जैसे ही मैंने खड्डे में से मिट्टी निकाली और खड्डे में से पैसे निकाले तो खड्डा और गहरा होते जाता है. सर मैं समझा नहीं. देखो मैं समझाता हूं आपको. ये मैं खड्डे की लॉजिक तक आऊंगा बट पहले ये सुनो. काले बेवड़ा काले दारुड़िया क्या करूं? नालायक पड़ता नहीं तो क्या करूं? बोलना पड़ेगा दिन भर. पीते रहता दिन भर. ठीक है, काले ने ऑलरेडी उधार लेके रखी हुई है. कितने की उधार लेके रखी है? 12,000 रुपए काले उधार में है. उधार, राइट? काले ऑलरेडी लोन में है, उसके जेब में पैसे नहीं है, वो उधार पर पी रहा है. उधार है 12,000 रुपए की. आज रात काले वापस गया और वापस पीने वाला है, राइट? दारू. तो काले ने ऑर्डर दी और ऑर्डर दी और ऑर्डर दी, राइट? तो काले ऑर्डर दी मतलब कि और पेमेंट किया और पेमेंट किया और पेमेंट किया और पेमेंट किया. समझ में आ रहा है? ही इज पेइंग पेइंग पेइंग. उधार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? उधार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ेगा. उधार कैसे बढ़ेगा? अबे उसके जेब में पैसे नहीं, किसी और से उधार लेकर पी रहा है, तो उधार का बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस. सो व्हेन यू पे, लोन बढ़ता है. व्हेन यू पे, लोन बढ़ता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैं ये काले जहां पर बैठा, क्या बार का नाम है मुझे नहीं पता, वैशाली नाम का बार है? नहीं, चलो यार कोई भी बार. तो बार पर ऑलरेडी उसने 12,000 रुपए का एक्सेस पी के रखा हुआ है, उधार है. वो और पी रहा है और पी रहा है, और तो बढ़ेगा ना. फिर एक दिन काले लाकर उसके मुंह पर मारता है, ये ले 10,000 रुपए तेरे, 10,000 रुपए ये ले. अब देखो पैसा दे रहा है तो उधार बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. जब तुम डिपॉजिट करते हो ना तो उधार कम हो जाती है. बैंक कोड भी ऐसा ही है, इट फॉलोज द रूल ऑफ टनल. व्हेन यू रिमूव, दैट इज टू से जब आप पेमेंट करते हो, पैसा निकालते हो, तो वो और डीप होता है. जैसे आप पैसा डालते हो तो क्या होता है? वो बंद होता है, कम होने लगता है, बुझने लगता है. से यस, दैट इज द लॉजिक ऑफ ओवरड्राफ्ट. सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट लिटिल सेंसिबली क्या होता है. आई एम हैविंग एन ओडी ऑफ ₹10,000 एंड यू नीड टू एक्सप्लेन मी कि क्या होगा. सर कौन सा वाला ओडी है बताइए पहले हमको, कैश वाला है कि मतलब कैश बुक का है कि पासबुक का है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ओडी है. हम ओडी का लॉजिक सीख रहे हैं. कैश बुक का अलग है और पासबुक का अलग, ऐसा थोड़ी ना है. तो अगर मैं बोलूं ओडी का बैलेंस है मेरा 10,000 रुपए और मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि आई हैव इश्यूड चेक, मुझे पहले एक बात बताओ, इश्यूड चेक मतलब पेमेंट किया है कि रिसीव किया है?
पेमेंट किया कि रिसीव किया? पेमेंट, पेमेंट करने से ओडी बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है, याद आ रहा है ना? सो इफ आई से इशूड तो ओडी क्या होगा? इशूड चेक तो ओडी क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं पेड इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया कि पे किया? पे। ओडी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। सो इफ आई से पेड इंटरेस्ट, ओडी बढ़ेगा। अगर मैंने लिखा चेक डिपॉजिटेड या कैश डिपॉजिटेड, तो बताओ ओडी बढ़ेगा कि कम होगा? ओडी कम होगा, डिक्रीज। जो आपकी इतनी चीजें हो जाए तो मुझे बोलो। हाँ, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एनी क्वेरी टिल सो फार? इफ यू लव मी शैल आई टेक यू हेड? प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। ओडी कब बढ़ता है और ओडी कब कम होता है, ये आपको समझ में आई बात? एक ट्रांजेक्शन लेते हैं हम, एग्जाम्पल ओडी एज पर कैश बुक इज रुपीज 20,000। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया। फिर मैं अभी आपके सामने वो लिखता हूं चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड रुपीज 4,000, और दूसरा कौन सा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड रुपीज 1,500। ठीक है, चलो पहली वाली ट्रांजेक्शन पढ़ते बेटा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड। तो मुझे एक बात बताओ, चेक इश्यूड है तो उससे ओडी बढ़ेगा या कम होगा? चेक इश्यूड पहले कहां पे होता है, कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में। लो इक्वल, तुमको यह समझ में है ना ओडी क्या होता है बेटा जी? बढ़ेगा। तो चलो ओडी को बढ़ाओ। किसके ओडी को बढ़ाऊंगा? कैश बुक। ये ओडी बढ़ गया कैश बुक का। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक, दिख रहा है ना ओडी एज पर कैश बुक दिया। तो पासबुक को क्या करेंगे? फ्रीज। फिर क्या करेंगे? लेस। तो बेटा मैंने पहला वाला लिखा लेस। कितना लेस बेटा? 4,000। चलो होल्ड ऑन, इक्वल वापस, इक्वल। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बेटा पहले कहां पता चलता है? कैश बुक। तो बेटा क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस ओडी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो मैंने ओडी का बैलेंस कम किया। ये क्लिक हो रहा है। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक। फ्रीज करो। क्या करेंगे? ऐड। तो बेटा ये होगा ऐड। कितना आंसर आया? 20,000 माइनस 4,000 प्लस 17,500। अगर आप समझते हो तो बोलो हाँ। इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? ओडी एज पर पासबुक। अब बेटा मैं आपको समझाना चाहता था, वो मैंने समझा दिया। अब बात है मुझे आपको शॉर्टकट देने की। शॉर्टकट दे दूं अभी? ये समझा दिया मैंने, ये टेक्निकली ऐसे वर्क करता है। मैं नाउ आई विल गेट द सेम आंसर बट विद लेस हैसल्स इमीडिएटली। बेटा तुमको मैंने ओडी समझाया ही नहीं, ऐसा समझो। सिखाया कि मैंने ओडी? नहीं सिखाया नहीं। मैंने क्या सिखाया आपको? बैलेंस। तो आपने क्या करने का, जब स्टार्टिंग पॉइंट ओडी हो, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ओडी, मतलब जब आपने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट, व्हेन यू राइट दिस दैट मींस द स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट। कुछ बच्चे 11th 12th में सीखते हैं कि ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव लिखना। आप नेगेटिव नहीं लिखोगे, क्योंकि बेटा जब तूने ओवरड्राफ्ट लिख दिया इसका मतलब वो ओडी है, फिर उसको नेगेटिव साइन देना नहीं। तो ओडी हमने लिख दिया, एग्रीड? तो अपने यहां पर नेगेटिव साइन हम कभी नहीं लिखेंगे। से यस। अच्छा तो सुनिए अभी मेरी बात ध्यान से। ओडी मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने क्या पढ़ाया आपको? Balance. क्या पढ़ाया? बैलेंस। तो बेटा पहली ट्रांजेक्शन वापस पढ़ते हैं। तो अच्छा ठीक है, लिखते वक्त तो हम ऐसे लिखेंगे। देखो चेक, सॉरी ओडी एज पर कैश बुक इज रुपीज 20,000। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है अपना। से यस। यस बोलो ना। हाँ अब मेरी बात सुनिए ध्यान से।
चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर रुपीज 4000, ऐसा समझिए कि आपको ओवरड्राफ्ट पता ही नहीं है. इक्वल लीजिए, चेक इश्यू होता है तो बैलेंस के साथ क्या होता है, बैलेंस कम होता है, तो कैशबुक का बैलेंस कम हो गया. कौन सा बैलेंस पता नहीं है, पासबुक. फ्रीज, फिर क्या करेंगे, एड. एड का उल्टा लेस, मतलब ओवरड्राफ्ट जब स्टार्टिंग पॉइंट हो तो एक और स्टेप करने का, जो एड आया तो उसका उल्टा क्या कर देने का, लेस. जो एड आया तो उसका उल्टा क्या कर देने, लेस. तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्या आया था अपना, एड आया था कि लेस आया था, एड आया था ना, तो हम क्या कर देंगे 4000 उल्टा ना. चलिए बेटा जी, मुझे अगला पॉइंट बताइए. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर रुपीज 1500, विल यू प्लीज टेक इट इक्वली. चेक डिपॉजिट होता है तो कैश बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है. कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, ये बढ़ गया. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक. क्या करेंगे, लेस. बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ओवरड्राफ्ट, तो जो अपना आंसर है उसका उल्टा. लेस का क्या होगा, एड. कितना बोलूंगा एड, 1500. कैन आई हैव द आंसर प्लीज. आ गया क्या तुमको, ये सिंपल ट्रिक है. अगर तुमको ये समझ में आया है तो मैं चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए कर दिखाओ पहले, फिर हम जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9th, स्टार्ट ऑन योर ओन.
हेलो शैल वी गो अहेड देन सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा पहला एक रूल बना लेंगे अभी कि अगर आपकी गलती हुई है तो यू शुड नॉट गेट डिस्करेज्ड. रूल नंबर वन होता है, होना ही चाहिए. नहीं हुआ तो डायरेक्टली कहाँ पे होगा, एग्जाम में. सो इफ देर आर मिस्टेक्स लेट देम हैपन. यू शुड फोकस मोर ऑन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट एंड ऑन बिल्डिंग द राइट लॉजिक. दैट इज व्हाट योर फोकस शुड बी. इतने जल्दी इंपेशेंट मत हो कि अगर आपका आंसर राइट नहीं आया होगा तो, क्योंकि मैंने जाते वक्त ही थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट देखे गया था. मैं आई डिड नॉट स्टार्ट विद ईजी क्वेश्चन, आई हैव स्टार्टेड विद डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो अगर आंसर गलत आए तो टेंशन नहीं लेना. यू शुड रादर फोकस ऑन, फोकस पूरा लगाना इन डेवलपिंग द लॉजिक. लेट्स गो अहेड. इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज रुपीज 12,000 एज एट 31st December. दैट मीन्स माई डियर फ्रेंड, ओवरड्राफ्ट अगर स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, तो अगर हमारा आंसर आ रहा है एड, तो हम उसका क्या करेंगे, लेस, बिकॉज हम एक ही ट्रिक फॉलो करेंगे ना, बैलेंस वाली. ठीक है, लेट्स गो इट. ऑन 30th December चेक हैड बीन इश्यूड फॉर ₹70,000, ऑफ विच चेक वर्थ ₹3,000 हैड बीन ओनली एनकैश्ड अप टू 31st December. देखो हमने चेक इश्यू किए थे कितने के, 70,000, उसमें से एनकैश, एनकैश का मतलब बेटा कितने क्लियर हो गए 31st December तक, इट इज 3,000. मतलब कितने क्लियर नहीं हुए, 67,000. एग्रीड. अच्छा मुझे जब चेक इश्यू होती है तो एंट्री कहां पे हुई पहले, आवाज नहीं आई, कैश बुक. तो लो बेटा इक्वल, कहां पर एंट्री हुई, कैश बुक. कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम. ये कितने से कम हुआ, 70,000. पासबुक का कितने से कम हुआ बेटा, उस तारीख तक 31 दिसंबर तक 3,000. दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा, 67,000. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, कैश बुक. ये मैंने किया फ्रीज, फिर क्या करा, लेस. लेस का उल्टा एड, तो इट वुड बी एड. पहला वाला आइटम ऐड आएगा क्या, 67,000. चलो कितने लोगों का राइट आया, दैट्स लवली. लेट्स गो एट. चेक अमाउंटिंग टू ₹3,500 हैड बीन पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट ऑफ दिस ओनली 500 हैड बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक. दैट मींस टेक्निकली हाउ मेनी चेक्स आर क्लियर्ड, हाउ मेनी आर क्लियर्ड, 500. कितना क्लियर नहीं हुआ, 3,000. तो रिकंसिलेशन का आइटम 500 है कि 3000 है, 3000. ये क्लिक होती है बात है. चलो लो इक्वल बेटा. बेटा पहले एंट्री कहां पे हुई, कैश बुक. तो कैश बुक में क्या होगा, बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बैलेंस के हिसाब से सोच. बैलेंस बढ़ेगा, चेक पेड इनटू द बैंक मतलब बैलेंस बढ़ेगा. कौन सा बैलेंस, अच्छा ठीक है, ये कितने से बढ़ गया, 3,500. पासबुक में कितने से क्लियर हो गया, 500. कितने का डिफरेंस हुआ, 3000. कौन सा बैलेंस पता नहीं है, कैश बुक. फ्रीज, क्या करेंगे, एड. एड का उल्टा लेस. व्हाई उल्टा बेटा, ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट में लास्ट में और एक स्टेप फॉलो करनी पड़ती है, रिवर्स द बैलेंस. नेक्स्ट, द बैंक चार्ज्ड 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी 2006. आपको इंटीमेशन मिला, मतलब कस्टमर को इंटीमेशन मिला बैंक से 2 जनवरी को, राइट. तो आप एंट्री कब करोगे कैश बुक में, 2 जनवरी. जब आपको कोई बताएगा तभी तो एंट्री करोगे ना. मगर पासबुक ने उनकी बुक में कब कर दिया है, द बैंक हैज चार्ज्ड 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो उनकी एंट्री उन्होंने पहले ही कर दी थी. से यस बेटा, जब बैंक चार्ज्ड बोलता है इंटरेस्ट, नॉट कलेक्टेड, चार्ज्ड, तो ये एक्सपेंस है कि इनकम है, डिपॉजिट है कि विड्रॉवल है, विड्रॉवल. इट इज एन एक्सपेंस एंड हेंस इट इज अ विड्रॉवल. सो लो इक्वल, कहां पे एंट्री पहले हुई, पासबुक. पासबुक का बैलेंस क्या हुआ, कम. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, फ्रीज. क्या करेंगे, एड उल्टा लेस. ये कितने लोगों का सही है, दैट्स लवली, दैट्स लवली. अगेन आज मम्मी को जाके बोलोगे घर में, माँ काला टीका लगा मुझे, नहीं तो नजर लग जाएगी. चलो, द बैंक पासबुक शोज अ क्रेडिट फॉर ₹1,000. बेटा अंडरलाइन द वर्ड क्रेडिट, अंडरलाइन द वर्ड क्रेडिट. अरे मुझे याद नहीं आ रहा, पासबुक में क्रेडिट मतलब डिपॉजिट या विड्रॉ, डिपॉजिट, रिसीट. ओवरड्राफ्ट में लॉजिक चेंज नहीं होता है, ओवरड्राफ्ट में एक ही लॉजिक चेंज हुआ, लास्ट की स्टेप और रिवर्स, बस और कुछ भी नहीं. बाकी रीडिंग द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली द सेम. सो आई एम सेइंग
The bank passbook shows a credit for rupees 1000 representing 400 paid by debtor of A direct into bank and 600 collected direct by bank in respect on A's investment. A had no knowledge of these items. मतलब इसके एंट्री कहाँ पे हुई है सिर्फ पासबुक पासबुक में बैलेंस को क्या होगा इक्वल लो पासबुक में बैलेंस क्या होगा बढ़ेगा क्या पहले कितने से बढ़ेगा 400 फिर कितने से 600 कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है कैश बुक फ्रीज क्या करेंगे लेस लेस का उल्टा ऐड तो ये क्या होगा बेटा जी ऐड 1000 ठीक है बेटा अगला पढ़ते अ चेक ऑफ रुपीज 200 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बाय ए बट इट वाज नॉट सेंड टू बैंक एट ऑल क्या हुआ बेटा जी 200 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डेबिट हुआ बट इट वाज नॉट सेंड टू बैंक एट ऑल अब बैंक में भेजा ही नहीं तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ क्या वो चेक क्लियर हो सकता है क्या तो एंट्री कहां पे हुई है सिर्फ कैश बुक लो इक्वल कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है कैश बुक क्या करेंगे ऐड ऐड का उल्टा लेस व्हाई उल्टा ओवरड्राफ्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट सो व्हाट आई डू लेस अच्छा सुनो एक थोड़ा सा क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए आप मुझे बताना इसका क्या करना है ना ये देखो ओडी एज पर कैश बुक आई विल राइट डाउन 50,000 राइट वन डेटर मिसेस शीला मिसेस बोला है बेटा मिसेस शीला ओविंग अस रुपीज 25,000 डिपॉजिटेड इन बैंक इन फुल सेटलमेंट नहीं डिपॉजिटेड इन बैंक एट 10% डिस्काउंट ऑन 29th December, one debtor, comma, Miss Sheila, owing us rupees 25,000, deposited in bank at the rate of 10% discount on 29th December, in full settlement. मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है अपने को नॉलेज नहीं है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है बट मुझे एक बात बताओ शीला जी ने डिपॉजिट कितना किया वेदर शी डिपॉजिटेड 25,000 और 25,000 लेस 10% लेस 10% सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द अमाउंट शी हैज डिपॉजिट 22,500 तो लो इक्वल कहां पर डिपॉजिट हुआ है बैंक में कितने ऐसे डिपॉजिट हुआ है 22,500 ये बढ़ गया कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है पासबुक या कैश बुक पासबुक मैंने क्या किया फ्रीज फिर मैं क्या करूंगा ऐड ऐड का उल्टा लेस सो इट वुड बी लेस हाउ मच 22,500 ये क्या आएगा ओडी एज पर पासबुक डू यू ऑल एग्री दैट्स इट लॉजिक समझ में आया ना अभी सो ओडी में क्या करना व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट इज ओडी जस्ट मेक द बैलेंस उल्टा स्टार्टिंग पॉइंट ओडी है तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हाँ बेटा ये कैशबुक के डिस्काउंट अलाउड कॉलम में आएगा क्या आएगा बैंक कॉलम में आ रहा है क्या नहीं तो डिस्काउंट अलाउड कैश के कॉलम में डिस्काउंट कॉलम में आएगा क्या आएगा बीआरएस का मतलब है अपना बैंक कॉलम और पासबुक बाकी किसी भी कॉलम में कुछ भी हो तो तुमको चिंता नहीं करनी है अपना कौन सा कॉलम बैंक कॉलम और उनका कौन सा कॉलम पासबुक का बैंक स्टेटमेंट दैट्स इट या पासबुक यस वी विल डू दिस क्वेश्चन एंड देन लेट्स सी व्हाट वी कैन डू लेट्स गो अहेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय बाय श्री मेहता प्रिपेयर हिज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2011 After amending the cash book on that date, बेटा इसको इग्नोर करो अभी तक मैंने ये पढ़ाया नहीं है ठीक है हम पहले इसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही बेटा क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट बेटा किसका बैलेंस दिया हुआ है पासबुक कौन सा बैलेंस पता नहीं है कैश बुक हाथ कौन सा फ्रीज होगा कैश बुक डू यू ऑल एग्री स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट
check issued but not yet presented for payment, entry पहले कहाँ हुई होगी? Cashbook. Cashbook का balance बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है. तो लो बेटा equal. ये cashbook का balance कम. कौन सा balance मालूम नहीं है? हाँ हाँ. Cashbook. Freeze. क्या करेंगे? Less. Less का उल्टा add. तो क्या होगा? Add. Do you all agree? चलो next. Check deposited with the bank but not yet collected. लो equal equal equal. हाँ क्या होगा बताओ? Cashbook का balance बढ़ गया. कौन सा balance मालूम नहीं है? Freeze. फिर क्या करेंगे? Add. Add का उल्टा less. काले साहब acting अच्छी कर रहे हो अभी तुम. ठीक है? Next. Check recorded in the bank column of the cashbook but not sent to the bank for collection. Entry कहाँ पे हुई है? Cashbook. Lo equal. बताओ मुझे क्या होगा? Cashbook में entry हुई. Bank column में entry मतलब cashbook में हुई. But not sent to bank for collection. तो bank में entry नहीं हो सकती. तो क्या होगा? Balance बढ़ गया. Cashbook का. कौन सा balance मालूम नहीं है? क्या करेंगे? Add. उल्टा less. Payment received by customer directly into the bank. Payment received by customer directly into the bank. Equal. कहाँ पे entry हुई? Passbook. तो क्या करेंगे? Add. बढ़ गया ना इधर. कौन सा balance मालूम नहीं है? क्या करेंगे? Less. का उल्टा add. Bank charges debited. Bank charges debited. Lo equal. कहाँ पे एंट्री हुई है? पासबुक. क्या होगा बैलेंस? कम. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? क्या भी? क्या करेंगे? ऐड. लेस. उल्टा क्यों कर रहे पर? ओवरड्राफ्ट. अरे ठीक है, मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आता इसलिए. एस बिल फॉर ₹30,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन फेब्रुवरी एट ₹29,780. प्लीज हाईलाइट द वर्ड डिस्काउंटेड इन फेब्रुवरी. फेब्रुवरी में डिस्काउंट किया था. Dishonored on 31st March and noting charges paid by bank 100. ये कमीनी ट्रांजेक्शन है. मुझे बताओ बैंक अपने से कितने रुपए वसूल करेगी? Will they recover only 100 rupees or they'll recover 29,780 or they'll recover 30,000 or they'll recover 30,100? I love you all. तो bills of exchange सही से पढ़ा है तुमने, समझ में आ रहा है ना? बैंक लास्ट में आपसे वसूल करता है फेस वैल्यू ऑफ द बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. वो डिसऑनर हो गया. तो लो इक्वल. बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बैंक अपने अकाउंट से निकाल लेगी ना पैसा. हाँ तो क्या होगा? कम. कितने से? 30,100. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं? कैश बुक. क्या करेंगे? लेस. तो ये आएगा लेस 30,100. Right. Let us go ahead. Premium on life policy of Mehta paid by bank on standing advice. कहाँ पे entry हुई? Passbook. Can you please take it equal? Right. क्या हुआ होगा बेटा? Premium on life policy. क्या होगा? किसका less? मैंने नहीं समझा. Passbook का balance हुआ less. कर दो कम. करो कम. मुझे दिखाओ कैसे करते हो कम. पक्का? ये हुआ कम. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? कैशबुक. क्या करेंगे? ऐड. ऐड का उल्टा लेस. अरे बाबा ये मत कर देना कि हर बार उल्टा लेस लेस. सिर्फ कहां पे कर रहे हैं? जब स्टार्टिंग पॉइंट इज ओडी तब उल्टा. चलिए सुनिए. सुन रहे ना? ये गंदा है. सुन. ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट ऑन 25 मार्च 2011. क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट कहां पे होता है यार? कैशबुक में कि पासबुक में? क्रेडिट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट कहां पे बोलते हैं? कैशबुक में या पासबुक में? हाँ ये समझना पड़ेगा. तो अगर वो बोल रहे ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट कैशबुक. वो खुद क्लियरली नहीं बोल रहे. तो सुनो. ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ क्रेडिट ऑन 25 मार्च 2011 ₹80,000 कैरिड ओवर एज डेबिट बैलेंस ऑन नेक्स्ट डे. हाय रब्बा. बात कैशबुक की चल रही, पहले ये समझाए तो बोलो. कैसे समझा? मुझे नहीं समझा क्योंकि उन्होंने बोला
ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट मीन दिस कैन ओनली हैपन इन कैश बुक. तो ये एरर भी कहां पे हुआ है? कैश बुक. सुनो ध्यान से, क्रेडिट का आइटम डेबिट में गया है क्या? मैंने क्या रूल समझा? इफेक्ट इज एडेड. कूल. इफेक्ट इज एडेड मतलब एड वो वाला नहीं, दोनों इफेक्ट को ऐड कर दे. तो कितना ऐड करूं बेटा? 80 और 80,000, 1,60,000, 1,60,000. इफ यू हैव गॉट अ क्वेरी प्लीज टेल मी. 1,60,000 होगा हां या ना? हां. अब मुझे बताओ लिखा कहां पे? कहां पर लिखा है? क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में? क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में? डेबिट. क्योंकि बोला यार कैरी फॉरवर्ड इज डेबिट बैलेंस. डेबिट साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस. ओडी का दिमाग ही नहीं लगाने का. क्या क्या? डेबिट बैलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस. मतलब डेबिट में कुछ लिखा तो बैलेंस बढ़ जाता. तो बेटा मुझे बताओ कैश बुक का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा. कितने से? 1,60,000. बस बस बस, मुझे वापस एक बार करना है. फर्स्ट पॉइंट मुझे पता है कि तुमको आ गया, फिर भी एक बार मुझे बताओ कौन सा बैलेंस पता है? कैश बुक. शुरुआत से शुरू कर रहा हूं. फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा जी कैश बुक का बैलेंस पता है? नहीं. पासबुक का पता है? अच्छी छोरे. कौन सा बैलेंस पता है? पासबुक. फिर सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर एरर कहां पे हुआ है? कैश बुक. कैसे पता चला? ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस बोला. क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट कहां पे होता है? कैश बुक. तो कैश बुक में एरर हुआ है. क्या हुआ है? क्रेडिट बैलेंस को कहां पे डाल दिया? डेबिट में. ऐसे ही हुआ ना. मैंने जब आपको बताया कि जब क्रेडिट की चीज डेबिट में जाती है, डेबिट की चीज क्रेडिट में जाती है, इफेक्ट इज एडेड. तो इफेक्ट एड होगा तो कितना होगा? 80+80, 1,60,000. छोरे लिखा कहां पे? डेबिट में लिखा है कि क्रेडिट में लिखा है? डेबिट में. अगर डेबिट में लिखा है तो अपना रूल क्या बनता है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस. एग्रीड. तो बैलेंस बड़ा होगा या कम किया होगा? बड़ा होगा. अब लो इक्वल. मतलब अब तीन चार लाइन के वो लॉजिक कोड अगर दिमाग में चल गया तो अब इसके आगे तो इजी है. तो ये आ रहा हो तो ऐसा मत समझना कि ये मेरे को आता है. ये नहीं आता है अगर पहले का कोड नहीं आया तो. पहले का कोड पूरा परफेक्ट चलना चाहिए. देखो बताओ क्या करेंगे? कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? श्योर. एड. एड का उल्टा लेस. वो छोरे लेस कितना? 1,60,000. दैट्स राइट. सो विद दिस यू आर नाउ परफेक्ट विथ ओवरड्राफ्ट ऑल्सो. यू हैव सॉल्व टू प्रॉब्लम्स. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल now take up all the problems of this except question number 10. question number 10 ko chhod kar aap iske sare questions aapne apne aap se try karna hai, including mcqs, right? isme maine adjusted cash book aapko nahi padhaya. aur kaise overdraft ka balance balance mein convert ho sakta hai, balance ka overdraft mein ho sakta hai, ye do concept agar hum chhod de to maine baki ki sari cheeze aapko samjhai hai. aur ye do concept main aapko aage padhaunga once you come practiced. अगर आप प्रैक्टिस करके आओगे तो मुझे राइट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसके बाद में हम आंसर देखेंगे. इज दैट ओके? सो आई बिलीव यू ऑल विल सॉल्व द एमसीक्यूज. मैं ध्यान रहे मैंने दो कॉन्सेप्ट अभी तक आपको नहीं पढ़ा है, एक एडजस्टेड कैश बुक और एक कौन सा नहीं, एक अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक, और कि कैसे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बैलेंस में कन्वर्ट होता है और कैसे बैलेंस ओवरड्राफ्ट में हो सकता है. होता है सभी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. इज दैट ओके? बट नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स ऑफ जॉब. I'll be able to do that, but before that you need to complete your homework so that we understand कि आपका पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, चलो एकदम प्यार से बाय बोलो. बाय.